मेरे लिए रिकमेंडेबल क्या होगा? तो मेरे लिए रिकमेंडेबल होगा लाइटिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट जो वीडियो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आपका वीडियो कभी अच्छा बनेगा ही नहीं। और जैसा कि मेरे हर वीडियो में मैं आपको लाइटिंग सेटअप के बारे में अवेयर करते आया हूं, और आज भी मैं इस वीडियो में आपको लाइटिंग के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में अलग क्या होगा? देखो, अब तक तो मैंने आपको एक चीज रिकमेंड करी, वो है थोड़ा सा कैमरे को ऊपर लेते हैं और यहां पर देखेंगे मैंने तीन जो लाइट लगा रखी है, राइट। ये तीन लाइट हमने 2x2 के लाइटिंग के पैनल लगाए हुए हैं। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि इसको इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से क्यों लगाना है? क्योंकि जब आपका सीलिंग हो, आपकी 2x2 की सीलिंग के थ्रू उसको आप लगा लोगे, या फिर आपको अगर अपनी नॉर्मल वॉल पे लगाना है तो वो तरीका ये है। और दूसरा तरीका जो कि ये है, हमने यहाँ पर वॉल के साथ में ऐसा स्टैंड बनाया हुआ है, टिल्टेड स्टैंड, तो ये दूसरा तरीका है। देखिए, इस पर जो आउटपुट आ रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये भी सफिशियंट है, और बहुत से लोगों ने मेरे रिकमेंडेशन पे इस तरीके का सेटअप बना भी लिया है। बट मुझे लगता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, और मैंने फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा और मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं अपने लेफ्ट और राइट साइड में लाइट बढ़ा दूँ तो क्या होगा? ये होगा। देखिए, थोड़ी सी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, आपको भी शायद कैमरे में फील हो जाएगी। कोशिश करिएगा इस वीडियो को HD क्वालिटी में देखिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपको आउटपुट देखने का मिलेगा। अब हम यहाँ पर लाइट है हमारे ऊपर साइड और साइड में, अगर इसी लाइट को नीचे से बढ़ा देते हैं, कैसे? ऐसे। अब शायद आपको पूरा इम्पैक्ट दिख गया होगा कि एक्चुअल वीडियो में क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई फ्लिकर नहीं आएगा, मैं कुछ भी अगर लिखूंगा तो प्रॉपर विजिबल होगा, हर एक चीज की प्रॉपर विजिबिलिटी है। क्या लगता है कि आपको इसके लिए बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जितना पैनल पे आपने खर्च किया, जितना कैमरा पे खर्च किया, जितना माइक और इन चीजों पे खर्च किया, उतना आपको लाइटिंग पे उतना ज्यादा खर्च तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो जो आपके वीडियो की क्वालिटी को एक्सट्रीम लेवल पे इन्हांस कर दे, मैं बनाते रहता हूँ, आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो के एंड होने तक आपको मेक श्योर करता हूँ कि आप ये समझ जाएंगे कि लाइट कैसे लगाना है, किस इक्विपमेंट के साथ में हमें प्ले करना है, और कैसे लाइट से हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और ये मेक श्योर करता हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए सजेशन को इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके वीडियो की क्वालिटी यहाँ से यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि लाइटिंग कैसे इंप्रूव करी हमने। तो रोहित भाई, कैमरा हाथ में उठाओ और अपना रियल वे में, जिस तरीके से हम रॉ फुटेज दिखाते हैं, तो कैमरे को एक बार जूम आउट करिएगा प्लीज। ये देखिए, यहां पर लाइट, नीचे लाइट, नीचे भी लाइट है, और सिमिलरली ऊपर भी लाइट है, यहां पर भी लाइट है। अब ये लाइट कौन सी है? तो सिंपली ये लाइट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बट अगेन मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इतना खर्च कर रहे हो, 2 लाख का पैनल ले रहे हो, या फिर आप लाइटिंग इतना लाइटिंग में 10,000 रुपये खर्च करोगे, स्टूडियो सेटअप करोगे, प्रॉपर सब कुछ सारी चीज़ें करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लाखों रुपए खर्च करते समय अगर आप मेरी 5,000 रुपये की कंसल्टेंसी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली ये 5,000 रुपये आपके 50,000 से ज़्यादा रुपये की सेविंग करके देंगे, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आपको अभी इस वीडियो में तो पूरी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने कौन सी लाइट यूज़ करी, कैसे लगाया है, सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, बट उसके बाद भी एरिया टू एरिया, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट चीज़ें चेंज होती है। तो मेरी कंसल्टेंसी से आपको ये फायदा मिलेगा कि हम OBS की पूरी सेटिंग, लाइट जाने की पूरी सेटिंग, YouTube की पूरी सेटिंग, स्टूडियो की पूरी सेटिंग, लाइटिंग पूरी सेटिंग, सही रेट पर पैनल प्रोवाइड करना, सही रेट पर लाइटिंग प्रोवाइड करना, सही कैमरा कौन सा होगा आपके बजट में, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें हम आपके घर तक भी पहुँचा दें। जैसे इस पैनल को, व्यूसोनिक के पैनल को अगर आप लेने जाओगे तो मार्केट में आपको 2,10, 2,20, 2,15 तक मिलेगा, मैं आपको 2 लाख के अंदर दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लाइटिंग का रेट जो आपको 1600-1700 की मिलती है, मैं आपको वो 1400 तक ला के दे सकता हूँ। सिमिलरली कैमरे में आपको अच्छा डिस्काउंट दिला सकता हूँ, सही कैमरा आपके बजट में कौन सा होगा उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली, जो स्क्रीन पर बार बार नंबर आ रहा है उस पर कॉल करिए,
हमारी एक बेसिक फीस को पे करिए और हमसे डायरेक्टली जुड़ जाइए। चलिए, तो आप अगर नहीं भी पे करना चाहते तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे ये जुगाड़ लगा के पूरा सेटअप बनाया। तो चलिए थोड़ा सा रोहित कैमरे को इस साइड शिफ्ट करते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर हैवल्स के 2x2 के पैनल लगाए हुए हैं, एक यहाँ पर लगाया हुआ है। और इसको हैंग कैसे किया है, तो सिंपली ये जो आप स्टैंड देखते हो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 2000 रुपए में आपको स्टैंड मिल जाते हैं। और इसको हमने बेसिकली सिंपल वे में यहाँ पे इस तरीके से हैंग कर लिया है, यहाँ पर इसको वायर से हैंग कर लिया है। ये परमानेंट सॉल्यूशन हमने अभी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग इसको टेस्टिंग फेज में थे और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि भैया इसका हमने एक्सटर्नल पैनल होता है, कोई अलग लाइटिंग सोर्स होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भैया, सिंपल से पैनल में काम होता है। ये सब फालतू के बनाने के ढकोसले हैं, बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, हमें उस पर नहीं जाना है, ठीक है। सिमिलरली सेम वे में हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है ना। अब ऊपर के दो तरीके होते हैं, या तो मेरे यहाँ पे सीलिंग्स लगी हुई थी 2x2 की लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इसी में फिक्स कर दिया। वरना हम लोग क्या करते हैं वो आपको मैं आगे दूसरे स्टूडियो में दिखाता हूँ हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमारी सीलिंग नहीं थी तो हमने यहाँ पर ऐसी एक रैक बनवा ली और रैक के थ्रू ये स्टैंड बनवाया। अच्छा, ये स्टैंड बनाने के लिए मुझे हार्डली 1,000 से 1,500 रुपये का खर्चा आता है, तो यहाँ पर आप चेन के थ्रू भी इसको स्टक कर सकते हैं, प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा तरीका। ये एक बार छोटा सा टूर आप बाहर जाए थोड़ा सा, तो देखो ये हमारा बड़ा कॉम्पैक्ट सा स्टूडियो है, इसको भी हमने अभी टेस्टिंग फोन में यहाँ पर लाइट और इस साइड भी लाइट और नीचे भी लाइट लगा दी। देखिए अब आ जाते हैं नीचे की साइड। तो देखो अभी अभी क्योंकि हमारा टेम्परेरी सॉल्यूशन है तो हमने थर्माकोल की मदद से इसको ऐसा टिल्ट करके लगाया हुआ है कि इसका जो लाइट का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऐसा जाए, स्पीकर के ऊपर जाए, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है और लाइट को हमने चार पैनल को ऐसे जमा लिया है, चार पैनल ऊपर, चार पैनल नीचे, दो पैनल साइड में, हमने इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। इसको टिल्ट करके लगाया हुआ है, वायरिंग आप देख रहे हो अभी थोड़ी बिखरी पड़ी हुई है, पर हम मेक्श्योर करते हैं कि इसको सही तरीके से हम प्लाईवुड के साथ में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर हम स्टैंड बनवा लेंगे। और स्टैंड बनवाने की कॉस्टिंग भी आप मुश्किल से मुश्किल मान लीजिए कि अगर प्लाईवुड से बनवा रहे हो तो ये काम 1500 से अंदर हो जाएगा, और सिमिलरली पूरे और चारों स्टैंड का काम मान लो 4 से 5 हज़ार के अंदर आता है, तो आप ये पूरा काम 20,000 के अंदर ही कर लेंगे। हमारा गाइडेंस रहा तो शायद हम इसको और सस्ते में कर लेंगे, लोग इसको 35-40-55-25 की बना के बेचेंगे और आप उसको खरीदना नहीं है। सिंपल सी लाइट है, लोग कहते हैं कि लाइट से हमने मैनिपुलेट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। तो आप उस चीज़ पे ना जाइए और आपके वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। आपको सही जगह पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है हमें सिस्टम पे ले लेना चाहिए या फिर लैपटॉप पे खर्च करना चाहिए, डिजिटल पैनल कौन सा लेना चाहिए, हर चीज़ का जवाब हमारे पास में, हमसे जुड़िए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, और नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल घुमाइए, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए इंडिया के किसी कोने में आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद में अगर आपको ऑनलाइन OBS की सेटिंग से लेके YouTube की सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो भी हम आपके साथ में, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट पे खुद डेडिकेटली रिप्लाई करूंगा। आई थिंक इतना सफिशिएंटली मैंने आपको बता दिया है, ये इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। आपको मैंने इस बार प्रूफ करके बता दिया कि लाइटिंग से वीडियो की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, कितना फर्क, कितना डिफरेंस आ जाता है। टीचर कम्युनिटी के लिए मैं ऐसे वीडियोज लाता रहूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।